तो फिर आगे एक नया वीडियो में ये बहुत डेंजरस प्रॉब्लम आ गया था। बाइक भी बहुत पुराना है हीरो होंडा का, देखिए पैनल में हीरो होंडा लिखा हुआ है और टैंक में स्प्लेंडर NXG, सही से देखा दीजिए, ये देखे NXG। टाइम भी देख लीजिए यहाँ पे कितना बजता है, 9:10, ये 20 मिनट सोलो हो गया, 9:30 से ऊपर हो गया, कम से कम हम लोग को 20 मिनट तो हाँ हो गया, 15-20 मिनट हो गया इसमें परेशान। क्या करेंगे, जैसा ये दो तार वाला हो गया चाबी स्विच, तो जैसे ग्लैमर सुपर एनर्जी दो तार जितना भी आता है ना उसमें अगर वायर कट्टा रहेगा तो स्टार्ट नहीं होगा, करंट नहीं आएगा, तो इसमें न्यूट्रल लाइट भी नहीं आएगा, तो ये न्यूट्रल लाइट भी आता है तो इसका मतलब ये वायर ठीक है, इसलिए हम लोग चेक नहीं किए। कोई भी काम है थोड़ा लाइन से करना पड़ेगा ताकि जल्दी बीमारी नजदीक आ जाए, नहीं तो टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा काम के लिए 2 दिन भी परेशान कर देगा। काम मेरे को ऐसा हुआ था, तो देखिए इसका मतलब ये चाबी स्विच का जो वायर है वो बिल्कुल सही है, तो क्या करेंगे तो बाद में देखते हैं। यहाँ पे तार जो है ये काटा हुआ नहीं, हम लोग काटे, इसमें एक प्रॉब्लम हुआ था। प्रॉब्लम क्या, ये पूरा टेप मरा, जैसे यहाँ पे टेप मरा हुआ है ना ऐसा ही पूरा टेप मरा हुआ था, तो हम लोग बोले क्या करेंगे तो नहीं आ, थोड़ा देर बाद क्या करते है? तो CDI भी नहीं हम लोग का पास चेक करने के लिए, चलो थोड़ा सा ऐसे ऐसा ठुक दे, ठुकने के बाद स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद जैसे फिर ऐसा फिट फाट कर दे, टैंग उंग फंसा दे, तो क्या हुआ टैंग उंग फंसा के रेडी किए, चलो थोड़ा सा हम ट्रायल करके आते बाहर, जो ले गए हाईवे में लेने के बाद जब किक मारते गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, फिर देखते करेंट गायब हो गया, फिर खुले, खुलने के बाद तो माइंड काम नहीं करता, क्या करेंगे। दिन भर रनिंग काम भी बहुत आ गया था, रनिंग काम इतना आया था, आदमी काम था, 3 आदमी थे हम लोग, रनिंग काम बहुत ही आ गया था, इसलिए जो हम लोग का माइंड थोड़ा गर्म था, बीमारी जल्दी समझ में आया नहीं क्या करेंगे क्या करेंगे। तभी टेप खुले, खुलने के बाद देखते एक वायर में, देखे मेरे हाथ में यही वायर है, रेड में ब्लैक कलर है, रेड में ब्लैक कलर, हम कोशिश करते दिखाने के लिए, देखे ये थोड़ा सा कैंसर टाइप का हो गया था, तब हम लोग सोचे चलो इसको काटते, काटने का बाद देखिए अभी जुड़ते इसमें, ठीक है ना भाई जुड़ जा, देखिए जुड़ गया, तो बेटी भी बैठा हुआ था, आप थोड़ा स्टार्ट देखिए, देखिए स्टार्ट हो गया ना, अब स्टार्ट हो गया, चलो वायर को खुलो, देखिए मेरा हाथ में एस्केलेटर है, बंद हो गया गाड़ी, देखिए अभी जितना भी मारेंगे नहीं होगा, चलो जुड़ो जुड़ो यहाँ पे जुड़ो, बेटी बैठ गया, चलो जुड़ दिया ना, जुड़ दिया जुड़ो, तो फिर देखिए किक मारेंगे हम, मारते किक तो स्टार्ट हो गया, देखिए स्टार्ट हो गया, वायर को खुलो, तो फिर देखिए ये प्रॉब्लम था, इसलिए हम वीडियो ने सोचे चलो ये तो परेशानी थोड़ा सा मामला था, तो परेशान तो ज़्यादा ही हो गया, एक वीडियो बना लेते, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, क्या हुआ था कैंसर टाइप का हो गया था इसे, तो हम लोग क्या करते हैं पे तो अच्छा से लगाते, चलो ये करो फिट करो इसमें अच्छा से, ये करो चापकेटा ये करके तो ये करना, तो फिर तब क्या करेंगे हम लोग ये टेप मार देंगे, तो ये 90% सही हो गया, कहीं 100% नहीं बोलेंगे फिर, टेक्निकल काम है। जब मैं 2012 में गैरेज खुले थे, 2012 में वो दूसरा जगह में था ये, उसका बस स्टैंड जहाँ पे बस स्टैंड है वहीं पे था, थोड़ा नजदीक, अभी थोड़ा दूर आ गया, बस स्टैंड से करीब 500 मीटर होगा, मेरा ऑपोजिट साइड में एक वन शॉप है वहीं पे, हो गया ना सही से मानना टेप, तो वन शॉप का ऑपोजिट में बस स्टैंड से 500 मीटर इधर, जैसे बस स्टैंड है कानकी बस स्टैंड से 500 मीटर दक्षिण तरफ साइड में, थोड़ा मेरा गैरेज से 200 मीटर दूर फिर एक बजाज का शोरूम भी है साइड में, मेरा साइड में करीब 30 मीटर दूर या 20 से 30 मीटर दूर ट्रैक्टर का आईसर कंपनी का शोरूम भी है, टेप मार लेना, तो इस समय जैसे पहले टेप मारा हुआ था ऐसा ही टेप मार दो, तो उस टाइम क्या होता है एक बॉक्सर आया था मेरा पास, किक स्प्रिंग लगे, तो बोले कितना,
200 रुपया दे देना। की किसने लगाए 200 ले ले। तो बोला क्या, बोला थोड़ा सा पानी मार दो, गंदा हो गया। सिर्फ पानी मारे हम, कारण भी आता है, पेट्रोल भी सही है, स्टार नहीं होता है। कार फिर हमको दो दिन से ऊपर लग गया था, 2.5 दिन लग गया था। 2 दिन पार होने के बाद फिर हम आए, 8 बजे आ गए सुबह। 8 बजे आने के बाद 12-1 बजे तक गाड़ी सही हो गया। इतना परेशान कर दिया था, लास्ट में हम गुस्सा में पिस्टन भाल टाइमिंग चेन सब बदल दिए थे। बदलने के बाद फिर भी नहीं होता है, क्या करेंगे। तब जाके जो इग्निशन कॉइल होता है टैंक का नीचे, इग्निशन कॉइल, बोतल कॉइल बोलते हैं बहुत आदमी, इग्निशन कॉइल, ये कॉइल को हम सिर्फ बदल देते थे बॉक्सर गाड़ी का। गाड़ी बिल्कुल अभी भी सही चल रहा है वो गाड़ी। हम गलती से पिस्टन भाल टाइमिंग चेन लगा दिया, सही हुआ था। पिकअप भी गाड़ी बोला, अभी जिसका गाड़ी था वो भी बोला चलो कोई बात नहीं, गाड़ी सही चलता है। तो कई साल हो गया आप, 2012 में हम उसका भाल पिस्टन टाइमिंग चेन लगाए थे। करीब देखिए 12 से 20, करीब 8 साल चल रहे, 7 साल पार हो गया। गैरेज जब नया नया दिए थे, गैरेज डालने का हफ्ता दिन बाद आ गया था वो गाड़ी। सही से लगाना तो CDI फंसा देते। ये टेक्निकल काम है, इसलिए हम 90% ही बोलते हैं, 95% बोलेंगे, 100% नहीं बोलेंगे। जिसको 100% बोलेंगे, कभी कभी बोल देते 100 में से 110% हो जाएगा। सब हम लोग क्या करेंगे, टैंक जो है फिट नहीं करेंगे, गाड़ी छोड़ देंगे गैरेज में, इसलिए फिट नहीं करेंगे। कोई सामान भी हम लोग खुल के रख देंगे ताकि रिक्स ना हो। कहीं टीना का घर है मेरा, देखें सब टीना का है, पक्का तो है नहीं, जो सब फिट करके रखेंगे। हो गया ना, स्टार मारो तो फिर मारते कि तेल नहीं है ना, मारते कि तेल खत्म हो गया क्या। चौक करो, चेक करो गाड़ी का, चौक करो, देखते तो फिर तेल नहीं है। चक गिरा दो, चक गिरा दो, तो तेल कार्बेटर में नहीं है, इसलिए अभी सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर ऐसे हम लोग कुछ सामान, इसका ये जो एनर्जी है, इसका 2-3 सामान हम लोग खुल के रख देंगे। कल सुबह फिट करेंगे, टैंक फिट कर देंगे, कल गैरेज में हम लोग रख के जाएंगे। सही से बैठा देना, देखे फिर बहुत काम चल रहा है। गाड़ी भी कुछ पार्ट्स भी लाए हम लोग, आज ही लाए। तो डिग्गी है, स्टेरेट का हेलमेट भी है, स्टेलबर्ट का वो डिग्गी आता है जो 509-10, उसका दाम भी बहुत बढ़ चुका है। कहे हम लोग फिट करके अभी 900 रुपया बेचना पड़ेगा, 850 रुपया खरीद हो गया, हर पार्ट्स का दाम बढ़ गया है। तो फिर ये बाइक जो है कंप्लीट हो चुका है। तो फिर देखिए कार्बोरेटर में तेल नहीं था, इसलिए नहीं हुआ था। अब मारेंगे स्टार्ट, तो फिर हो गया। टैंक खुल लो, टैंक खुल लो, टैंक को निकाल लो, पेट्रोल पंप भी खुल लो। तो फिर बंद करते, फिर मारते अभी सेल। तो हो गया, देखिए उसमें पेट्रोल नहीं था कार्बेटर में, इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ। तो फिर वीडियो अगर आप लोग का अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, 2-3 दोस्त का बात जरूर शेयर कीजिएगा। कई चैनल का सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, सब्सक्राइब नहीं, अगर अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर वीडियो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं।